हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? चाणक फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 25 अगस्त और हम आज बाहर निकले थे ऐसे ही घूमने के लिए। तो हम थोड़ी सी शॉपिंग करके आए थे और फिर ऐसे ही मतलब इधर उधर घूम रहे थे, खा पी रहे थे, बहुत दिन हो गए थे घूमे हुए भी। तो हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं, आज ये घर पर ही थे। तो फिर हमने रास्ते में रुक के भुट्टा खाया सच। हाँ, तो मैं ही लेने के लिए गई थी और मैं उनको गुस्सा कर रही थी कि आप क्यों नहीं लेके आते हो। तो बस यहाँ पर फिर मैं भुट्टा ले रही थी और मौसम थोड़ा सा अच्छा था, बारिश वाला मौसम था, तो इसी वजह से हमने ले लिया था। और किस किस को भुट्टा पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भुट्टा खाने के बाद फिर रास्ते में हम एक जगह और रुके थे, वहाँ पर कढ़ी चावल मिल रहे थे। छोटे छोटे जो स्टॉल लगे होते हैं ना वहाँ पर, तो वो बहुत अच्छे होते हैं जो स्टॉल वाले जो होते हैं कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल खाने के बाद फिर हम आ गए थे घर, और घर पर आकर देखा कि यह ताला लगा हुआ था अंदर से। और काफ़ी देर तक हम बाहर खड़े रहे थे, ऐसे ही घूमते रहे थे, और ये भी बार बार कॉल कर रहे थे जो हमारे मकान मालिक थे उनको, और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। और काफ़ी देर हम बाहर ही घूमते रहे, परेशान होते रहे। तो कभी ये फ्रंट गेट से जा रहे थे, कभी बैक गेट से चेक कर रहे थे। तो घर आने के बाद अब मैं आप लोगों को अपनी ख़रीदारी दिखा रही हूँ कि मैंने क्या कुछ ख़रीदा है। तो पहले तो मैंने ये टी शर्ट ख़रीदी थी और ये मुझे 250 रुपये में मिली थी। और ये जो शॉपिंग है ये मैं आपको विशाल मेगा मार्ट की दिखा रही हूँ। तो विशाल मेगा मार्ट आई थिंक हर सिटी में है, तो और मेरे ख्याल से सबकी जगह, मतलब सब विशाल मेगा मार्ट में सेम स्टफ़ ही मिलता है। तो एक मैंने ये जीन्स ली थी अपने लिए, मेरा बहुत मन था, मतलब एक मेरे पास थी तो मैंने सोचा कि चलो एक और ले लेते हैं। और ये भी मुझे बहुत सस्ती ही मिल गई थी, 350-400 की। और एक मैंने ये सूट लिया, जो ये सूट है ये रेड इन कलर है और थोड़ा शाइनिंग वाला है, ये मुझे 400 रुपये का पड़ा कंप्लीट सूट। इसके साथ बॉटम भी है, और बॉटम में इसके साथ जो है वो है शरारा। शरारा मुझे इतने नहीं पसंद है, लेकिन तो मैंने ले लिया कि मिल रहा था, प्लाजो था नहीं तो फिर मैंने ले लिया कि कोई बात नहीं चलो ले लेते हैं। और फिर बाद में मैं बहुत पछता भी रही थी कि मुझे सूट नहीं ख़रीदना चाहिए था। तो फिर ये मैंने लिया था नाइट सूट अपने लिए, और ये बहुत ही अच्छा था। मतलब पूरी शॉपिंग में सिर्फ एक यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई थी, और ये मुझे 650 का पड़ा था। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो अब बस ये तो मैंने आपको दिखा दी ख़रीदारी, और अब मैं जा रही थी किचन में, क्योंकि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं घूमने जाऊँ या कहीं भी घर पे रहूँ तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस फिर हमने खाना वाना खाया था, और अब यहाँ पर मैं बर्तन कर रही थी। पहले मैंने किचन की स्लैब साफ़ की, फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर बर्तन करूँगी। तो लेडीज़ के साथ यही रहता है, अगर आपने काम वाली लगाई है तो मतलब हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं वो कर देगी, लेकिन अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हो तो बेटर है कि आप अपना टाइम काम जो है वो टाइम से कंप्लीट कर लो, क्योंकि करना तो आप ही नहीं है, चाहे आप अब करो या बाद में करो, छोड़ के कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने सोचा, हालांकि मैं थक भी गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार कंप्लीट कर दूँ मैं काम, फिर उसके बाद ही मैं आराम करूँगी, क्योंकि फिर वो बाद में पड़ा रहता है, फिर टेंशन रहती है काम की। तो इसलिए फटाफट से थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्फूर्ति दिखाओगे और काम ख़त्म कर लोगे तो आपका जो है माइंड भी एकदम से रिलैक्स हो जाता है, और खुद को भी अच्छा लगता है जब आप नेक्स्ट टाइम के मतलब खाने के लिए जब आप किचन में एंट्री करो, अगर आपको किचन एकदम से क्लीन मिलेगी तो खुद को ही अच्छा लगता है कि हाँ मैं जो हूँ घर अच्छे से संभाल पा रही हूँ। तो ये फीलिंग ही अलग होती है, जो हम हाउसवाइफ हैं वही समझ सकती हैं। तो बस आज के लिए यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपके कुछ भी आपको पूछना हो मेरे बारे में, कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को उसके आंसर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।